पांच राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा है। चिंता की एक और बात यह है कि देश में कोरोना के दो नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच कुछ राज्यों ने बढ़ते खतरे को देखते हुए बंदिशें लगाई हैं। पीएमओ की भी बढ़ते कोरोना मामलों पर नजर है। देश के कम तीन सूबों में कोरोना दबे पांव आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जिन पांच राज्यों में नए केस लगातार बढ़े हैं उनमें पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, एमपी और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खतरे की एक और बात यह है कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के दो नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इस नए वायरस स्ट्रेन को N440 और E484 का नाम दिया गया है। N440 के नाम का स्ट्रेन दक्षिण भारत में ज्यादा फैल रहा है। राहत की बात यह है कि इनसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। देश में कोरोना के जो नए केस दर्ज हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर तीन राज्यों में हैं। मंगलवार को देश में कोरोना के 10,584 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 78 लोगों ने दम तोड़ दिया। 78 मौतों में से महाराष्ट्र में 18, केरल में 16 और पंजाब में 15 मौतें हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सतर्क राज्यों ने कुछ अहम फैसले भी किए हैं। पंजाब में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर को हक दिया गया है कि जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगा दे। सिनेमा हॉल में दर्शक की तादाद घटाने पर 1 मार्च को फैसला होगा। एमपी की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र से एमपी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग होगी। 12 जिलों के कलेक्टरों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने को कहा गया है। उधर तमाम कोशिशों के बाद भी महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हालात नहीं संभल रहे। अमरावती में लॉकडाउन के बाद भी एक दिन में 926 नए केस सामने आए। एमपी में कोरोना का खतरनाक हॉटस्पॉट रहे इंदौर में भी खतरा बढ़ा है। यहां एक ही दिन में 105 नए मरीज सामने आए। कोरोना ने चिंता फिर बढ़ाई है। पीएमओ ने भी एक आपात बैठक करके बढ़ते खतरे पर जानकारी ली। नए स्ट्रेन सामने आने और केस बढ़ने से साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये संभलने का वक्त है। आज तक ब्यूरो।